आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है लिस्ट द स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के स्टेप्स हमें बताने हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना मतलब हम प्रोटेक्ट करेंगे एनिमल्स को एंड बर्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट में। अब देखिए, यहाँ पे इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, इसके स्टेप्स की अगर हम बात करेंगे, कौन से स्टेप्स लेंगे, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट ये एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने इन 1972 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बर्ड एंड प्लांट्स, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट पास किया। अब ये एक्ट बैन किस चीज का, हंटिंग, पोचिंग ऑफ एनिमल्स। और यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन इनके हैबिटेट को दिया जाता है, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट। इसके बाद क्या किया जाएगा कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो एस्टेब्लिश करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसी के साथ नेशनल पार्क, और इनका क्या किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, जिससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन होगा। अब वेरियस प्रोजेक्ट्स जो है रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज, ऐसे स्पेसीज जो एंडेंजर्ड है, सच एज टाइगर या फिर वन हॉर्न राइनो, इनका प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऐसे इस तरह से जो स्टेप्स हैं, ये मतलब खास करके सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने इनिशिएटिव लेके लॉज बना के जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ का जो क्या हो रहा है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है, वो रोकने के लिए ये स्टेप्स लेने होंगे फिर इंडिविजुअल ह्यूमन एंड गवर्नमेंट को। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।